यार यहाँ पे पूछ लेते हैं एक बार, एंट्री करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? सर यहाँ पे बाइक की एंट्री करनी पड़ेगी क्या? पूछना एक बार, आवाज लगा के पूछना उधर। अरे एंट्री करनी पड़ती तो रोक लेते हैं, लेकिन कोई रोकता ही नहीं है तो चल। तो यार यहाँ पे किसी ने रोका ही नहीं, मतलब बाइक वगैरह की या किसी की एंट्री। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, वो तो है। पता नहीं लगे क्या है, लेकिन एंट्री के लिए तो नहीं रोका किसी ने, तो हम लोग निकल गए यहाँ से। यार दोस्तों एक भाई यहाँ की देखो, बकरी देखो, आ रही है तेरे पास। ऐसे कुछ भेड़ है यहाँ पे, भेड़ नहीं है बकरियाँ हैं, ये एक्चुअली छोटी छोटी बकरियाँ हैं। तो यार काफ़ी सुंदर लग रही है, बाल है बड़े बड़े। क्या ये यार चल रही है, बस अच्छी घास है यहाँ पे तो इसलिए चल रही है। ओ देखो लेक, यार वो दिख गई अपनी जो पेंगोंग लेक भाई, बहुत खतरनाक रास्ता है यार ये, सुंदर से पेंगोंग लेक आने का बहुत खतरनाक रास्ता है। और लग गई यार बम्प की, ऑफ रोड ही ऑफ रोड मिल रही था यहाँ पर, क्योंकि सड़क बहुत कम है, क्योंकि सुंदर सड़क बहुत कम है। और फाइनली यार वी मेड इट टू पेंगोंग लेक, पेंगोंग ही है या और कौन सी लेक है ये भी नहीं पता मेरे हिसाब से, पेंगोम लेक ही होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ चल के कौन सी लेक है। तो यार कीट भी लेह लद्दाख आ जाती है, ये देखो अरे यार रास्ते में पूरे बम्प की बात लगा दी भाई, ऐसे ही रास्ते मिले हमें पूरे, करीबन 180 किलोमीटर है
और पूरा ऐसा वैसा ही है भाई, पूरा ऐसा ही है। इसमें कोई 20% आपको अच्छी सड़क मिलेगी, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। तो यार भाइयों यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना पेंगोंग लेक का इलाका। और अपना भाई आया नहीं, उतना रह गया। यहाँ जस्ट यहाँ से पीछे से स्टार्ट हुआ है और बोट्स वगैरह पड़ी है, शायद आर्मी वालों की है बोट्स वगैरह। और कितना यार ब्लू पानी है यार, आया नहीं यार। लाजवाब है भाई ये मोमेंट कैप्चर करना। कैमरा बंद नहीं होगा अपना, ये आर्मी वालों का है पूरा। यहाँ पर बोट वगैरह होने के लिए बहुत आगे जाने के लिए है। और क्या ठंडी ठंडी हवा है भाई, टेम्परेचर बहुत कम है यहाँ पे। अभी का टेम्परेचर 2-3 के आसपास होगा, अभी देखेंगे अगर आगे नेक्स्ट आएगा तो। क्या भाई किधर? तो भाई ये पेंगोंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और पूरी चाइना तक जा रखी है। बहुत लंबी रिवर है, झील है ये पेंगोंग झील। पानी देखो यार कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है यार, पूरे पत्थर दिख रहे हैं अंदर से, देखो कितना क्लियर पानी है यार। चलो यार इसको देखने के लिए तरस रहे थे। जगह लाजवाब है भाई, दोस्तों ये नीचे है ना, ये नॉर्मल कॉटेज वगैरह बने हुए यहाँ पे। वो जो 3 गेट्स वाला पॉइंट था ना, जो पॉइंट वो इधर ऊपर की ओर से 3 किलोमीटर आगे है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं यार। पेंगोंग लेक यार सही में यार शानदार है भाई, देखने लायक चीज है। 3 गेट्स के बाद भी ज़्यादा फेमस है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई जानता नहीं था इसको। बट जैसे रिलीज हुई के बाद में लोगों में इसकी पॉपुलरिटी बढ़ी है, तब से लोग जाने लगे कि ऐसा भी कुछ पॉइंट है ये करने वाली। अदरवाइज आर्मी वाले को पता रहता था ये सब। आगे 3 किलोमीटर आगे चल चल, करीना कपूर की स्कूटर तो खूब आ गए भाई यहाँ पे। स्कूटर एक था और सभी स्कूटरों को लाके कलर कर लिया येलो। नज़र जा रही है पूरी पेंगोंग लेक है, जो पूरी चाइना में भी जा रही है, तो बहुत लंबी है। इसका 60% पार्ट साइज जहाँ तक मुझे पता है 60% पार्ट चाइना में, 40% इंडिया में है, ऐसा कुछ है। मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे हल्का पूरा आया था ऐसा कुछ है। बट सुंदर बहुत है भाई,
है, राइड अच्छे से करनी है, खाई भी है पूरा सीधा नीचे पैंगोंग लेके ठंडे पानी में जाके गिरेंगे यार। 3 इडियट्स के व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं हम, और वो है आगे जहाँ तक वो वाला पॉइंट है। बम में दर्द हो गया अब तो, पेंगोंग लेक है रे बाबा, ये पेंगोंग लेक है। कैसे है भाई, कैसे है? हमारी सुंदर से आए हम बिस्किट विलेज से, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों का 7 किलोमीटर का डिफरेंस है उधर और बिस्किट में। तो हम बिस्किट में थे रात को, वहीं से कहता हूँ वहाँ से आप सुबह चले गए साढ़े 8-9 बजे के आसपास चले सर। तो अभी बजने वाले हैं 3:43 हो गया है PM और हम पेंगोंग पहुँच चुके हैं टाइम। तो यार ऑलमोस्ट 6-7 घंटे के आसपास लग गए थे जो ऑफ रोड है खूब भाई। अभी हम जा रहे हैं 3 इडियट्स व्यू पॉइंट के पास। तो यार दोस्तों अभी गाड़ी आड़ी पार्क कर दी यहाँ पे पार्किंग वगैरह में, और हम जा रहे हैं 3 इडियट्स व्यू पॉइंट पे पेंगोंग लेक के किनारे, और वो एक जैसा है ऐसा कुछ नज़ारा है भाइयों, शानदार है भाई, शानदार शानदार नज़ारा यहाँ का। लेक बड़ी लाजवाब है यार, शानदार लेक है यहाँ की। तो भाई काफ़ी एफर्ट्स डाल के आए यहाँ तक, नुब्रा में थे हम सुबह तक, और 6 घंटे की राइड करके आए, कंटिन्यूस राइड करके आए हम 6 घंटे की। वैसे राइड 180 किलोमीटर के आसपास की थी, बट ऑफ रोड ही ऑफ रोड था, तो फिर यार थकाने वाला था काम। तो यार ऐसा कुछ नहीं था। तो यार यहाँ पे थोड़ा बहुत तो सांस तो फूलता है अभी भी, क्योंकि हाइट है तो इसलिए थोड़ा बहुत तो होता है यार प्रॉब्लम, बट इतना नहीं है क्योंकि इतने दिन से हम पिछले पाँच दिन से हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो अपनी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो चुकी है, बट फिर भी यार प्रॉब्लम तो होती है यार। मैं वो 3 इडियट्स वाले भी पॉइंट चल के आते हैं। तो यार तेरे को पता ना इसके ऊपर बैठ के फोटो खिंचाने के भी चार्जेस होते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, और यहाँ खा खुजली खुजाने का भी पैसे होते हैं। बुलेट तो थी उस टाइम पे, बुलेट कहाँ से आ गया? बुलेट कहाँ है ये रखी थे? अच्छा
ये तो ऐसे खिंचवा रहे हैं, लेकिन बुलेट नहीं होती है, बुलेट नहीं थी, बस ये स्कूटर था और ये पिछवाड़े खुद जाने के लिए था। तू हेलमेट लॉक करके आया था क्या? चल ठीक है यार, अपना बैटरी जाने वाली है शायद थोड़ी देर में। ड्रोन होता है यार, ड्रोन से मैं जाता ऊपर से बढ़िया दिख रही थी यार, उल्टा ऊपर से यार, ऊपर का भी तो उसमें पूरे कलर दिख रहे थे इसके, अलग अलग कलर, रेड ब्लू सारे जितने भी कलर होते हैं ना यार, कितने कॉम्बिनेशन थे सारे दिख रहे थे ऊपर से। और पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी है भाई, इधर आ लग गया भाई, पानी दे तो कितना क्लियर है यार, पानी देखो भाइयों कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है यार। भाई के ले आए कि भाई का दौड़ाया? पागल है क्या, बाइक दौड़ाएगा तू? लाने नहीं देगी, नहीं मना कोई नहीं करेगा। ओ मेरे भाई कितना ठंडा पानी है यार, भाई ठंडा ठंडा, तो भाई पानी में ठंडा है यार, भाई देखो भाई बहुत ठंडा पानी है और पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी है भाई। देखो आप देख पा रहे होंगे पूरे पत्थर दिख रहे हैं, पूरे आगे तक पत्थर दिख रहे हैं, इतना शुद्ध पानी है यार। हाँ ठंडा है लेकिन भाई देखे नमकीन पानी है भाई, पी नहीं सकते आप इस पानी को, नमकीन पानी है एक्चुअली। जो पानी एक जगह भरा रहता है वो नमकीन पानी होता है, झील का पानी वैसा नमकीन ही होता है। जो पानी बहता है वो पानी मीठा होता है, वो मीठा पानी होता है। बाकी ये तो यार नमक पानी, इसको आप पी नहीं सकते। बाकी यार नज़ारा लाजवाब है यहाँ का। तो यार भाई लोगों ये 3 इडियट्स पॉइंट व्यू है, यहाँ पे वो यहाँ से दौड़ के जाते हैं, वो सब लोग इधर से भाग के जाते हैं और वहाँ एंड में जाके वो किस पिस वहाँ पे जाके होता है। और जो वो बाकी जो मकान वकान थे यार उनके टेम्प्रोरी थे यहाँ पे, तो वो तो नहीं होगा। ये हल्का पानी इधर भी था उस टाइम, तो ये सूख गया। बाकी ये वाला वो वे था जिसके ऊपर से वो लोग भगते हैं और ये आर माधवन और सरमन जोशी उसको मारते हैं, वो सब ये वाला यहाँ पे चल के जाते हैं वो एंड तक, वहाँ तक आगे तक। बाकी इधर का थोड़ा पानी सूख गया, अदरवाइज यहाँ पे भी पानी था और ये बीच में एक रास्ता था पूरा जिसको सूखा, जिस पे वो भग के जाते हैं। तो यार भाई अब देख लो यार आप लोग चारों तरफ के नज़ारे देख लो यार, ये पेंगोंग लेक के नज़ारे यहाँ पे। अब आज फोटो खींचेंगे, अब तेरी व्लॉगिंग ख़त्म करते भाई फटाफट, आप लोगों के लिए ये सब कर रहे हैं आप लोग यार, सभी लोग हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे, सभी लोग देखेंगे वैसे तो। बट यार क्या है, रटा रटा चीज़ तो होती नहीं, जो मुँह में निकलता है वो निकलता रहता है। बाकी यार पानी देख के मैं हर्ष चक्की, तो यार इतना पानी, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी, देखो यार ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, देखो यार भाइयों कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है यार, देखो यार बहुत ठंडा पानी। और लेक गहरी भी है यार ये लेक, आर्मी वाले की बोट खड़ी पीछे, वो बोट इसी में जाती है आगे चाइना बॉर्डर तक, वो जो अपने बॉर्डर पर जाती है गश्त करने के लिए। तो यार अपन भी आ जाते हैं व्लॉग में, पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी। तो ठीक है भाइयों व्लॉग करते हैं अपन एंड।